तो भाई सामने देखो वो पतंग फंसी है पेड़ में, आ गई भाई आ गई पतंग, आ गई। देखो पहली पतंग ने निकाल ली है, ये ब्लैक कलर की कुछ पतंग नहीं, देखो ऐसे फंसा के लाए थे। अबे भाई ये किस तरीके से फंस गई यार, मैंने फेंका वो सीधी पतंग में छेद करके आ गई यार। भाई ये तो बहुत ही कर रहा सीन हो गया, अभी आपको दिखाता हूँ निकाल के इसे। काफ़ी झोल तोड़ लिया, एक मुड्ढा खाली करा यहाँ पे, केजी बाहर की बस ले गया मैं इसे भी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्डलर ऑफिशियल। तो भाई देखो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं आ जाया हूँ अपने नए वाले घर में, और यहाँ पे सामने आप देखेंगे ना तो एक पतंग फंसी है पेड़ में, एक नहीं यहाँ पे 2-3 पतंगें फंसी हैं। और देखो यहाँ पे ये एक मंजिला छत है इसलिए मैं यहाँ से वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन यहाँ पेड़ देखो आप चारों तरफ आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, और सामने यहाँ पे पतंगें फंसी हैं भाई, पतंग भाई जम के होती है। एक पतंग तो सामने रही, एक तो वो आपको दिख रही होगी, और एक उस वाले पेड़ में फंसी है किनारे को, वो भी निकालेंगे। पहले इस पतंग को निकाल के आपको दिखाते हैं, देखो अमरूद का पेड़ है ये, और नीचे पतंग गिरी है, तो देखते हैं कैसे निकलती है। अपना वही हथियार लाते हैं और इस पतंग को निकाल के दिखाते हैं, और भी कोई फंसी होगी तो वो भी निकाल के आपको दिखाएंगे। तो ये रहा भाई अपना, इसे मैंने यहीं से तोड़ लिया था एक पेड़ से, और पतंग सामने रही, डालते हैं दिखाते हैं। ये गया, चले जाए यार, मुझे लग रहा पतंग की जगह अमरूद ना आ जाए कहीं इसमें, चलो अमरूद ही आ जाए वही खा लेंगे हम, कुछ तो आए यार फंस के। कन्नू के पास डाला हमने, फंसाया नहीं 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 अभी नहीं पड़ी, अभी नहीं पड़ी है। कन्ने के पास चले गए, अब चले गए कन्ने के पास, देखो ये गया, घुमाया मैंने, शायद आ जाएगा, अब आ जाएगा भाई, आ गया आ गया आ गया। अरे यार निकल गया, फिर निकल गया। तो भाई दो बार निकल चुका है, तीसरी बार ट्राई करते। डाला कन्नों के पास, फिर से घुमाया, अब क्या और आ गई पतंग, आ गई पतंग, आ गई देख सकते हैं आप, लेकिन फंस गई है पेड़ में यार, निकल ना जाए कहीं, पेड़ में फंस चुकी है, निकल ना जाए। आ गई आ गई आ गई पतंग, आ गई पतंग, आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली पतंग हमें मिल गई है, ये देखो ये कुछ पतंग थी पीछे से मांझा आया, इस बार हमने फंसा ली, दिखाते हैं यार। आजकल नसीब बहुत बढ़िया, मतलब अद्धी पतंगे देखने को इतने दिनों के बाद मिल रही ना, एक परसों हमने लूटी थी और एक और अद्धी पतंग, दिल तरस गया था अद्धी पतंग देखने, कोई लड़ती नहीं है यार। और इस तरीके से हमने निकाली, देखो मांझे में फंसा लेते इसके कन्नों के पास, और काफ़ी आराम से पतंग आ गई, सामने पेड़ में फंसी थी, और दो बार ट्राई करा फेल हुए, तीसरी बार आ गई आराम से। तो पतंग ये रही गोल फर्मे की, अद्धी रही, इसे भी लड़ाएंगे कभी शाम को, दिखाएंगे आपको वीडियो बना के। तो पहली पतंग लूट ली है, देखो कितनी बड़ी पतंग है। अब सामने ना, सामने जो आपको पेड़ दिख रहा होगा वहाँ पे एक पतंग पड़ी है, चलो नीचे चलते हैं और उस पतंग को निकाल के दिखाते हैं। इतने में देखो मैं वीडियो बना ही रहा था, एक और पतंग यहाँ पे कट के आ गई, सुबह का टाइम है और सुबह से देखो यहाँ पे पतंगबाजी शुरू हो गई है। ये पटेदार पतंग कट के जा रही है, काफ़ी लंबी, इसकी डोर बहुत है लेकिन बराबर वाली छत में से है, ये हमारी छत के ऊपर नहीं है, देख सकते हैं कितनी लंबी पतंग जा रही है। तो आप लोग सोच सकते हैं यार, सुबह से ही पतंगबाजी शुरू हो गई क्योंकि पुरवाई हवा चल रही है, तो क्लब कैटराइटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये क्लब वालों की पतंग कटी थी, अब पकड़ ली किसी ने, नहीं नहीं फंसी है फंसी है, नहीं नहीं पकड़ ली पकड़ ली, तो ये वाली पतंग पकड़ ली है। चलो नीचे चलते हैं, जो पेड़ में पतंग फंसी है ना वो निकालते हैं। तो ये रही वो पतंग, इसकी हालत देखो यार क्या हो रखी है, सामने मांझा आ रहा है इसका, और हालत देखो, मुझे लग रहा है ये पतंग ना यहाँ पे फंसी फंसी बारिश में भी गीली हो गई फिर सूख गई, और ये मिल गई पतंग। मांझा आप देख सकते हैं पीछे अभी पेड़ में लटका ही है मांझा, देखो मांझा सामने से आ ही रहा है। तो पतंग एक और मिल गई है, फट भी गई है, काफ़ी दिनों से लटकी होगी पतंग इसलिए देखो ऐसी हालत हो गई कुछ इसकी, यहाँ पे रख के दिखाता हूँ। और मांझा आप देख सकते हैं ये कुछ पीछे से अभी आ रहा है, इस मांझे को खींचते हैं और ऊपर दिखाऊँ तो देखो वहाँ पर ही पतंगबाजी हो रही है, वहाँ से ही पतंगें कट कट के आ रही हैं, तो अगर कटती है कोई उसे भी लूटते हैं। फिर दो पतंगें मिल गई, एक ये रही और एक तो हमने छत से लूटी ली है, चलो दोबारा चलते हैं छत के ऊपर, इसे भी वहीं रख देंगे अपनी दूसरी पतंग के साथ। ये भी अद्धी रही यार, आज तो बढ़िया नसीब है, देखो दो दो अद्धी पतंगें मिल गई हैं, लेकिन इसकी हालत थोड़ी सी खस्ता है, लेकिन कोई नहीं काम चला हुआ है। अब दो पतंग तो लूट के हम लेके आ ही गए थे छत में, हमने सोचा चलो भाई आज का हो गया घर चलते हैं, लेकिन उससे पहले यार एक और चीज़ दिख गई मुझे, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ सामने आपको दिख रही होगी, दिख रही है ना वो, देखो वहाँ पे एक और पतंग भाई पटेदार, दो हमारे हाथ में एक सामने है, आ रहा है हमें लालच, चलो जल्दी से उसे भी निकालते हैं दिखाते हैं आपको। तो सामने अगर आपको दिखाऊं वो फंसी है पतंग, इसका मांझा देखो ऊपर पेड़ से आ रहा हो, लंबा वाला पेड़ दिख रहा होगा ना वहाँ पे पीपल का, उधर से ये मांझा आ रहा है, और हवा देखो यार कितनी प्यारी हवा चल रही है, पेड़ देखो कैसे हिल रहा है, पुरवाई हवा चल रही है काफ़ी मस्त, ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवाएँ, चलो पतंग निकालते हैं ये वाली। तो ये रहा हमारा हथियार, फिर से काम में आएगा ये तो आसानी से आ जाएगी मुझे लग रहा है,
कन्नू के पास डालते हैं। ये गया, चले तो गया, फंस जाए बस कन्नू में एक बार। फंस गया भाई। एक ही बार में आ गई ये तो पतंग, एक ही बार में देखो ले आए हैं, आ गई। अरे भाई ये क्या हुआ यार, निकल गई। चलो दोबारा ट्राई करते हैं, दिखाते हैं। दोबारा गया फिर, अब ये तो आई नहीं रही। अब यार ये तो हमें लग रहा है ईजीली आ जाएगी, ये तो और भी ज़्यादा टाइम लगा रही है आने में। पेड़ है ना, ये पेड़ की पत्तियों में फंस जा रहा है मेरा, ये इस मारे नहीं आ पा रहा है। देखो फिर फंस गया है, फिर निकल गया। बड़ा दिमाग ख़राब है यार, फिर फंस गया। देखो अब क्या, तो डाल ही देंगे। चलो डाला। अबे भाई ये क्या था, अबे पतंगी फट गई। और देखो हमारा वो पतंग के बीच में फंस गया यार। भाई ये क्या था यार, ये कितने कर्रे तरीके से पतंग ले आऊँ मैं, देखो एक बार। भाई ये तो अलग ही सीन हो गया। क्या आपने ऐसी कभी पतंग लूटी है कि आपने लंगड़ फेंका हो, पतंग फाड़ के लंगड़ अंदर घुसा हो और पतंग ले आया साथ में? यार मज़ा ही आ गया। कमेंट करके बताओ भाई ये क्या सीन हो गया हमारे साथ। पतंग तो हमें मिल गई, मांझा भी मिल गया, लेकिन अतरंगी तरीके से हमने ये वाली पतंग निकाली। देखो चलो दिखाते हैं आपको कैसी पतंग है कैसी नहीं है। पतंग भाई हमने निकाल ली फिलहाल। तो ये कुछ पतंग थी और इसका तो मुझे सीन ही कुछ समझ में नहीं आया। हमने फेंका और तुक्का ऐसा लगा कि पतंग के एकदम छोर में जाके ना, यहाँ पे देखो कितना तरीके कर्रे तरीके से ये फंसा है। ऐसा लग रहा कि मैंने पेड़ में चढ़ के फंसाया हो, लेकिन आपने देखा वीडियो में यार कि बस मैंने फेंका ही था और ये फंस गया। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था ऐसे पतंग निकालने का, मुझे लगा कन्नू में फेंकूँ आराम से आ जाएगा, लेकिन किस्मत है बाबा किस्मत। चलो एक और पतंग मिल गई, तो आज तो किस्मत हमारी बहुत ही बढ़िया रही। तीन तीन पतंगें मिली हैं। देखो एक ये रही पट्टेदार वाली, लंबे फरमे की पौनी रही, और दो मिली हमें अद्दी, एक काफ़ी खस्ता हालत में। लेकिन पतंग पतंग होती है, लड़ेंगी सारी सारी पतंग काटेंगी, बस काटने वाला होना चाहिए, पतंग सब कटती हैं। अब यहाँ पे हम अपने घर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि इतनी देर में देखो एक और पतंग आई और पेड़ में समा गई, समाई जाएगी देखो ये गई। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो पतंगें आप खुद ही देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आती रहती कट के। तो सामने पतंग रही, ये तो फंस चुकी है पेड़ में। अब ये तो भाई बहुत ही दूर है, ये तो हम नहीं निकाल पाएंगे। चलो चलते हैं घर, दिखाते हैं उड़ा के आपको। तो जो हमने ब्लैक कलर की अद्धी पतंग निकाली थी ना, उसी को हमने पार कर लिया। देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग रही, हम नीचे से उड़ाएंगे। ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्किल के अंदर, उसकी पतंग काफ़ी लंबी, मैंने काफ़ी छोटी पतंग कर रखी है अपनी। देखो ये गया अंदर, यहाँ पे मुड्डा खाली करवाया मैंने उसका, और अंदर गया, झोल मिला मुझे, झोल मिल गया खेत दी बाहर की। भाई झोल मिल गया था मुझे उसका, तो अगर वो अंदर भी रगड़ रहा था पतंग तो कोई फ़ायदा नहीं था। झोल के पास से ये वाली पतंग काट दी है, पहला पेच काट दिया जो हमने पतंग लूटी थी उसी से काटा है, और सेकंड पतंग कोई पार होती है तो उससे लड़ा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक और पतंग पार हो गई है, तो रेड सर्किल के अंदर मेरी रही। जहाँ तक है नीचे का ही पेड़ लड़ाऊँगा, ऊपर से हमारा अपोनेंट लड़ाएगा, ब्लू सर्किल के अंदर आपको दिख रहा होगा। तो चलो इसका भी सफाया करते हैं, दिखाते हैं आपको। ये चला अंदर में उसके, पतंग उठा के दी है, उठाई और मारा पट। अरे यार लेट हो गया भाई, 2 सेकंड पहले खींचनी थी पतंग, यहाँ पे लेट हुआ वहीं पर ही पतंग कट गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, देखो पतंग लूट के दिखा दी, लड़ा के दिखा दी। तो भाई लाइक करो ना वीडियो को, तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।